सिक्किम के सांसद इंद्रहांग सुभाजी राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, राज्य विधानमंडल के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, प्रतिपक्ष के नेता डीआर थापा जी और सभी विधानमंडल के माननीय विधायकगण, भाइयों और बहनों, आज हम सीपीए जोन 3 के इस समापन सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि दो दिन विभिन्न विधों मुद्दों पर, विषयों पर व्यापक चर्चा हुई, संवाद हुआ, आपस में अपने अनुभव साझा किए और एक मत से राजनीति से ऊपर उठकर सभी माननीय वक्ताओं ने इन तीनों मुद्दों पर एक सार्वजनिक चर्चा के साथ एक व्यापक निर्णय निष्कर्ष की ओर, ताकि इस सिक्किम के सम्मेलन का निष्कर्ष देश के सभी राज्यों के अंदर दिशा निर्देश दे और उस चर्चा संवाद की जो निर्णय निष्कर्ष हो उसके अनुसरण पर एक चर्चा संवाद के बाद हम अंतिम निर्णय पर पहुंचे। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल महोदय पधारे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया है। माननीय राज्यपाल महोदय जी का जीवन दलित, शोषित, वंचित लोगों के लिए न्याय दिलाना और उनके साथ चर्चा संवाद करते हुए उनके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन दिया है। वह दूर दराज के गांव के अंदर किस तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए राज्यपाल बनने के बाद तुरंत उन्होंने इस सिक्किम का दौरा करना शुरू किया है और मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये राज्य जो यहां की प्राकृतिक सुंदरता, यहां की जैव विविधता दुनिया के अंदर पहला राज्य जो जैविक खेती के रूप में, प्राकृतिक खेती के रूप में जिस राज्य ने अपनी उपलब्धि प्राप्त की है, जो कंचनजंगा जैसे हिमालय के बड़े पहाड़ जिसके संरक्षण में नदियां, नाला, झरना और महामहिम कह रहे थे कि यहां बहुत पोटेंशियल है हर क्षेत्र के अंदर, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे हस्तकला हो, चाहे खेती के बाद उसकी प्रोसेसिंग यूनिट का सवाल हो और विशेष रूप से यहां की युवा शक्ति और सामर्थ्य जो आने वाले समय में इस राज्य के लिए नई दिशा तय करेगी।
ईश्वर राज हम सबके लिए महत्वपूर्ण भी है और विशेष रूप से देश के लिए, जिस तरीके की यहां की प्राकृतिक संरचना है उस अवसंरचना के अंदर किस तरीके से यहां के राज्यों ने विकास की नई गाथा लिखी है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इन राज्य के मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में ये पूर्वोत्तर राज्य लगातार प्रगतिशील कुशाली समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे आशा है जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप यहां पर हो रहा है, चाहे रोड कनेक्टिविटी का हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी का हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का हो, और यहां की प्राकृतिक संपदा का उपयोग, यहां की संस्कृति और संस्कारों में रहते हुए आने वाले समय में एक विकास और आर्थिक सामाजिक बदलाव के नए आयाम स्थापित करेंगे। जैसा कि हरवंश जी ने कहा कि दो दिन तक विभिन्न विषयों पर यहां पर चर्चा हुई, संवाद हुआ और जिन मुद्दों पर हमने चर्चा संवाद रखी ये पूर्व राज्यों के लिए नहीं पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि हम अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कुछ सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए संकल्प की ओर बढ़ना होगा, हमारी युवा पीढ़ी को बचाना होगा, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसकी इनोवेशन, उनकी रिसर्च की क्षमता का उपयोग करना होगा और इसलिए मादक पदार्थों के सेवन पर जो हमारी देश की चिंता नहीं पूरे विश्व की चिंता है और हमने तो G20 में कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक भविष्य, और इसीलिए इसकी सार्थक चर्चा भारत के लोकतंत्र की जननी के इन विधानमंडलों में की जा रही है। देश की सर्व संसद में चर्चा हुई और माननीय गृहमंत्री जी ने कहा कि सभी राज्यों ने मिलकर जो कार्य योजना बनाई है आने वाले समय के अंदर, चाहे हमारे बॉर्डर देश से मादक पदार्थ आ रहे हो, उन सब के रोकने के कारगर उपाय बनाए हैं और हमारा संकल्प है किसी भी परिस्थिति के अंदर हम इस भारत को नशा मुक्त बनाएंगे और जो बॉर्डर देशों से मादक पदार्थ आ रहे हैं उनको रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है तो और कानून बनाएंगे और सभी राज्य और केंद्र मिलकर एक ठोस कार्य योजना के माध्यम से काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी हमारी विधानमंडल और जनप्रतिनिधियों की है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए नशा मुक्त के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करें, समाज के हर व्यक्ति नौजवानों को सकारात्मक दिशा देने के लिए अभियान चलाएं
और अपने अपने राज्यों के अंदर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, उस स्तर तक जनप्रतिनिधि जनता से मिलकर इसके लिए सकारात्मक और सार्थक परिणाम निकाले। और इसके लिए जो कुछ भी चर्चा संवाद हुई, उस चर्चा संवाद के जो निष्कर्ष निकले, उसके माध्यम से हम सब पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्य में नशा मुक्त भारत के लिए एक व्यापक अभियान चलाएंगे। और हमारा संकल्प होगा कि बहुत जल्दी हम भारत को नशा मुक्त कर पाए। दूसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण था कि देश के नौजवानों की सक्रिय भागीदारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति हो। हमारे नौजवान मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो भारत की जननी, उसकी में सक्रिय भागीदारी रहे। हमारी विरासत, हमारे इतिहास को समझें, हमारे आजादी के आंदोलन करने वाले नेताओं के जीवन के बारे में जानें और किस तरीके से हमारी विरासत, हमारी संस्कृति रही है लोकतंत्र की, किस तरीके से हमारे मनुष्यों का योगदान देश के प्रति रहा है, उसके लिए भारत की संसद ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें उन सब मनुष्यों का जिनको भारत आजादी के पहले आजादी में योगदान रहा और आजादी के बाद देश के निर्माण में योगदान रहा, उनके जीवन के बारे में जानना, उनके किए गए देश और राष्ट्र में किए गए कार्यों के बारे में जानना और किस समर्पण सेवा से उन्होंने, त्याग और बलिदान से भारत की आजादी की कहानी लिखी और आजादी के बाद देश के निर्माण की कहानी लिखी। और इसीलिए देश के अलग अलग राज्यों के युवाओं को बुलाकर केंद्रीय कक्ष में उन महान नेताओं के जीवन, उनके किए गए कार्यों पर हमारा नौजवान चर्चा करता है। सिक्किम का नौजवान हो, चाहे अरुणाचल का नौजवान हो, चाहे मिजोरम का हो, नागालैंड का हो, गुवाहाटी का हो, त्रिपुरा का हो, दूर दराज का हो, नौजवान भी देश की विरासत और संस्कृति को जाने, इसके लिए भी हमने एक कार्यक्रम चलाया है। हमें राज्य विधानसभाओं में इसी तरीके के कार्यक्रम को चलाना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। हमने गुजरात के अंदर जब हमारा पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन हुआ था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के नौजवान नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जाने। जब भारत का नौजवान संविधान को जानेगा, समझेगा और किस तरीके से हमारे संविधान निर्माता मनुष्यों ने, बाबू राजेंद्र प्रसाद हो, बाबा भीमराव अंबेडकर हो, कितने मनुष्यों ने एक लंबी चर्चा संवाद के बाद संविधान बनाया, जहां संविधान के अंदर हमारे अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं। अब आजादी के 75 साल बाद हमें इस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए कि मेरा क्या दायित्व, मेरा क्या कर्तव्य है, ये नौजवानों के अंदर भाव पैदा हो तो संविधान को जानेगा तो ये भाव भी पैदा होगा। और इसीलिए राजनीतिक और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी, इस महत्वपूर्ण विषय पर लगातार हमें चर्चा संवाद करते रहना होगा। और हमने कोशिश की है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वन प्लेटफॉर्म पर वन लेजिस्लेटिव लाने का, पूरे देश की विधायी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, डिजिटल संसद जिसके अंदर सभी राज्य विधानमंडल की कार्रवाई व
वहां की पूरी डिबेट चर्चा, आजादी के पहले और आजादी के बाद भारत की संसद की चर्चा, डिबेट, कानून बनाते समय चर्चा, वो एक प्लेटफॉर्म पर लाने का हमने काम शुरू किया है, ताकि हमारा नौजवान आजादी के पहले भी आजादी के बाद किस तरीके से भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में इन लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका रही है, इसको भी एक प्लेटफॉर्म पर देख सके। और तीसरा विषय साइबर बुलिंग का है, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है, विशेष रूप से नौजवानों के लिए। साइबर बुलिंग हो, साइबर क्राइम हो, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, उसी तरीके से कुछ उस टेक्नोलॉजी के होने वाले नुकसान, उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में उपयोग हो, देश के विकास के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, नए इनोवेशन के लिए उपयोग हो, पर साइबर क्राइम और साइबर क्राइम के साथ जो हमारी ऑनलाइन बुलिंग है, उसको रोकने के लिए भी हमें नौजवानों को जागृत करना होगा। इन सारे विषयों के साथ साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई, और सबसे मुझे प्रसन्नता है कि इस पूर्वी राज्यों के अंदर जिस तरीके से विधानमंडलों में चर्चा होती है, संवाद होती है, बिना गतिरोध कर चर्चा होती है, कई विधानसभा में तो कभी गतिरोध ही नहीं हुआ, सभी दल, चाहे सत्ता हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन गतिरोध भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जब 21वीं शताब्दी के अंदर हमें, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, हम प्राचीनतर लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उसको भी हमें समझना होगा कि उसमें भी असहमति सहमति थी, मतांतर था, विचारों में भिन्नता थी, नीतियां पॉलिसी बनाने में अपने अपने विचार हो सकते हैं, कानून बनाते समय अपने अपने सकारात्मक सुझाव हो सकते हैं, लेकिन चाहे नगर पालिकाएं हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे पंचायत राज हो, जितने भी लोकतांत्रिक संस्था हैं, अब समय आ गया है ये सकारात्मक चर्चा संवाद के केंद्र बने, और इनके माध्यम से हम समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाएं। ये समय हम सबके लिए चिंता का विषय है, और इसको हम सबको सामूहिकता के साथ मिलकर करना होगा। और मुझे आशा है हम लगातार पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में इसकी चर्चा करते रहते हैं, सब पीठासीन अधिकारी इसके लिए एक मत हैं। पूर्व में भी मैंने कहा था, चाहे महामहिम राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय गतिरोध होना हमारे लोकतंत्र की अच्छी परंपराएं नहीं है। हमें अच्छी परंपरा परपाटियों को कायम करना चाहिए, और इन सदनों का उपयोग देश के विकास और सकारात्मक रूप से चर्चा संवाद के लिए होना चाहिए। मुझे आशा है ये दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन, जिनमें जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, हम उन मुद्दों को लेकर आगे चलेंगे, और सभी राज्य विधानमंडल और राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाएं इन विषयों को लेकर आगे चलेगी, और एक सकारात्मक परिवर्तन देश में लाएंगे। विकसित भारत बनाने का सपना हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं से पूरा होगा, और विशेष रूप से जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जनप्रतिनिधि अपने आचरण विहार कार्यशैली से ही भारत के लोकतंत्र को सशक्त मजबूत कर पाएगा, और इसके लिए हमें सही दिशा की ओर काम करने की आवश्यकता है।
पुणे में हमारे स्पीकर यहां के अरुण कुमार प्रेती जी को धन्यवाद देता हूं, राज्य के मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने यहां पर इसका आयोजन किया और जिस तरीके का आतिथ्य एक अच्छे वातावरण में यह सम्मेलन हुआ, इसके लिए यहां की सरकार को, विधानमंडल के सभी अधिकारी कर्मचारियों को, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से आचार्य जी का पहली बार इस विधानसभा में आना हुआ, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।